हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो विद फूडी वीर जी। आज हम आए हैं, आपको जैसे पता है, मुंबई, और मुंबई के अंदर बिना कुछ खाए और बिना कुछ खाना दिखाए हम जाने वाले नहीं हैं। आज हम आए हैं एक बहुत ही प्यारी सी स्टोरी लेकर आपके साथ, जो मेरे को मिली है हमारे होटल के जस्ट पास में ही। तो हम उनके पास आए, हमने कल टेस्ट करा उनका फूड और इतना टेस्टी लगा, बिल्कुल घर जैसा। मतलब हमारे को फील नहीं हुआ कि हम बाहर आए हुए हैं और बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि हम घर से दूर हैं। तो हम उनकी शॉप को आज कवर करने आए हैं। उनकी शॉप का नाम है स्वामी होटल, जो आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं। एंड बहुत ही स्वीट सी शॉप है, हस्बैंड वाइफ मिलकर चलाते हैं। अब उनसे ही पूछेंगे हम कि किस तरीके से उन्होंने इस बिज़नेस को, छोटे से आउटलेट को शुरू किया, और इतना अच्छा जो होमली फूड बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, और आपको भी दिखाएंगे, टेस्ट भी करेंगे। तो चलो वीडियो के साथ स्टार्टिंग करते हैं, एंड लेट्स गो एंड ईट एंड टेस्ट द फूड। तो आपको यहाँ रिस्पांस कैसा मिल रहा है? अच्छा मिल रहा है। अभी हमारा क्या घरगुती जीवन भोजनालय वैसे ही, और अच्छा है। मीन्स हम लोग सब घर पे जैसे अपन खाना बनाते हैं। हाँ जी, ये अच्छा चावल और तेल, मेन ऑयल हम लोग घर का ही यूज करते हैं, अपना सनफ्लावर पाम तेल वगैरह कुछ यूज नहीं करते। तो आपका ये स्टार्ट करने के पीछे मोटिव क्या था? मतलब आपने कहीं से स्टार्ट सोचा होगा? सबको ये कोरोना की वजह से सबकी नौकरी चली गई। हाँ जी हाँ जी, इसीलिए हस्बैंड की मेरी नौकरी गई, तो इसके लिए हम लोग आगे क्या करेंगे, क्या शुरुआत करेंगे। जी जी जी, इससे अच्छा हम लोग बोले चलो खुद का ही कुछ छोटा सा अपना स्टार्ट ये होटल, स्वामी होटल करके चालू किया। हाँ जी, और हम लोग अभी देखते हैं कि अब कैसे ग्रोथ होती। नहीं नहीं, होगी, बिल्कुल होगी, बिल्कुल कोई इशू नहीं है। और अच्छा, आपके यहाँ पर मिलता क्या, वेजिटेरियन है पूरा या नॉन वेज भी मिलता है आपके यहाँ? वेजिटेरियन है। और क्या क्या मिलता है आपके यहाँ पर? मेरे यहाँ पे सुबह नाश्ता में वड़ा पाव, कटलेट, कांदा भजी, कांदा पोहा, उपमा, शीरा, अपना पूरा महाराष्ट्रीयन फूड। जी जी जी, मतलब आपके सारा वगैरह वो पूरे दिन मिलती है? हाँ, पूरा। ठीक है, इसमें आपने क्या क्या डाला है? इसमें जीरा, कड़ी पत्ता और हरी मिर्च, बाद में आलू डाल के, बॉइल आलू डाल के, साबूदाना डाल के, नमक और थोड़ा शक्कर। तो ये अपना जो साबूदाना है, इसको आपने भिगो के रखा था? हाँ, रात को भिगाना पड़ता है। हाँ, भिगाना, रात को भिगाया था उसको। ठीक है, तो ये गाइस हमारा मिसल पाव रेडी हो रहा है। इसमें क्या क्या आता है? कांदा डल गया, मिसल में क्या क्या डाला होता है? ये मटके का मिसल है। अच्छा, कोल्हापुरी झंझन एक मिसल, मतलब स्प्राउटेड होती है ना ये दाल? हाँ, हाँ। जो मटकी बोलते हैं इसलिए मराठी में। हाँ, मटकी बोलते हैं। बाद में ऊपर डल गया अपना परसान डल गया। किससे बनी होती है ग्रीन चटनी? ये मिर्ची और इसी मिर्ची और उसमें तड़का आएगा थोड़ा। और ये अपना ये किससे बना होता है? ये ब्रेड और इसका जो वड़ा पाव का बेसन रहता है उसको फ्राई करके, इसमें मिर्च भी डाली होती है ना? हाँ, तीखी मिर्च भी होती है। क्या बात है, ये बनी हमारा वड़ा पाव, और साथ में इसमें हरी मिर्च भी होती है। हाँ, टेस्टिंग का टाइम आ चुका है और हम आए हैं महाराष्ट्रियन फूड सेंटर, जो हमारे को एकदम लगा कि होमली फूड है, क्योंकि हम यहाँ आए
हमने यहाँ पर टेस्ट किया आने से पहले, मैंने ये वीडियो बनाने से पहले दो बार यहाँ खा चुका हूँ और मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि भाई यहाँ पर मैं दिल्ली से आने के बावजूद भी मुझे लग रहा है कि मैं घर का खाना ही खा रहा हूँ। तो लेकिन हम आप लोगों के लिए और कुछ नहीं, महाराष्ट्र का ओनली फूड जरूर दिखाने वाले हैं। तो हमारे को नीबे मार्केट शॉप पर फूड जॉइंट मिल गया, इसका नाम है स्वामी होटल और ये है चिंचोली बंदर मलाड वेस्ट मोहन बाग के बिल्कुल पास में। बाकी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इनके लोकेशन भी दे दूंगा, नाम भी बता दूंगा, आप यहाँ आकर टेस्ट कर सकते हो। और अब हम इस पर टेस्ट करके आपको बताते हैं कि इसका टेस्ट है कैसा। तो देखो भाई, महाराष्ट्र में आए हैं, मुंबई में आए, और अगर वड़ा पाव नहीं खाया तो क्या खाया हमने। तो वड़ा पाव ऑर्डर किया है, साथ में हमने एक मिसल पाव ऑर्डर किया है। इसका प्राइस बहुत नॉमिनल है, ये 35 रुपीज़। वड़ा पाव है अपना 15 रुपये का। यहाँ पर कभी भी आप आ रहे हो घूमने के लिए आ रहे हो या फिर आप स्टे करते हो यहाँ पर, उसके आसपास एरिया के आसपास अगर आप स्टे भी करते हो तो आप यहाँ पर आके आप टेस्ट करते हो। तो आपसे टेस्ट हम भी टेस्ट करते हैं, आपको बताते हैं कैसा टेस्ट। तो पहले अपना ले लिया और मिसल का कलर देखो, स्प्राउटेड दाल कितने अच्छे से, इसको यहाँ मटकी बोलते हैं, ऊपर फरसान डाला हुआ है और साथ में हमने कांदा और नींबू मिला है। तो टेस्ट करके देखो, पहली बाइट लेते हैं हम। ये लगाया मिसल, ऊपर डाला कांदा और थोड़ा सा नींबू और गया हमारे गरम नाश्ता। हमने एक बार आपको याद हो ट्राई भी किया था नेट में बनाने के लिए, बिल्कुल वैसा है लेकिन उससे ज्यादा अच्छे से बना हुआ, बहुत टेस्टी है। सेकेंड आइटम है हमारी वड़ा पाव, देखो जिसके अंदर हरी चटनी भी डाली है, सूखी चटनी है और वड़ा है। तो पहले वड़ा देखो अंदर से, हम मैं खोल के दिखाता हूँ देखो कितनी अच्छी फीलिंग है। चलो अब इसका पहला बाइट लेते हैं। उसका मुकाबला मुंबई के वड़ा पाव कोई नहीं कर सकता, मेड है गरम गरम खा के बिल्कुल एकदम मजा आ गया। एक बाइट और लेते हैं आपके लिए, देखो फीलिंग कितनी अच्छी हो रही है, अच्छे से पका हुआ है। और यहाँ का जो स्टेपल फूड है वो इसको क्यों कहते हैं हमें पता ही है, फुल फीलिंग है और एक बारी में आप ऑन द गो खा सकते हो। बाकी मैं चलो सब कुछ फिनिश करता हूँ और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारी इस प्यारी सी वीडियो को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।